तो ये देखिए दोस्तों, मोहनपुरा की जब आप तरफ बढ़ रहे होंगे तब आप देखिए जगह जगह जो है वो पुलियों का निर्माण चल रहा है। और पुलियों का मैं अभी पीछे से आया तो दो वहां बन चुकी थी, एक यहाँ बन चुकी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अजूबा दिखाना चाहूंगा, देख रही है अभी इस समय जो कासगंज और बरेली वाली रोड का जो बाईपास बना हुआ है वो साथ क्या देखता हूँ। ये देखिए सामने जो है मोहनपुरा का बाईपास बनाया जा रहा है, अलाइनमेंट यहाँ से ले लिया गया है। यहाँ पहले शायद राधा स्वामी सत्संग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गोगो बीडीएन में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ कासगंज जिले में और यहाँ पर मैं कवर करने आया हूँ NH 530B का फेज टू, और जो कि बनने वाला है हाथरस जंक्शन से और जो कि कासगंज के बीच बनेगा NH 530B का जो फेज टू है। तो इसी सिलसिले में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई लोगों के कि भाई प्लीज़ कासगंज से मोहनपुरा के बीच दिखाया जाए। तो आज हम कवर करने आए हैं कासगंज से मोहनपुरा के बीच आज हम कवर करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कासगंज का एक अजूबा ही कह लीजिए आप। अगर कासगंज जो नहीं आया वो एक बार प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और जो कासगंज वाले हैं वो तो इस जगह को पहचान ही रहे होंगे। तो चलिए आज यहीं से करते हैं वीडियो की शुरुआत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अजूबा दिखाना चाहूँगा, देख रही है अभी इस समय जो कासगंज और बरेली वाली रोड का जो बाईपास बना हुआ है वो सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो वहीं पे ब्रिज पे बना हुआ। और मैं इस ब्रिज की भी एक खास बात बता दूं कि आप ये जो नीचे देख रहे होंगे ये गंदा नाला या काली नदी जो भी आप बोल लीजिए, और सामने ट्रक देख रहे होंगे वो ब्रिज है, और उसके उस साइड में भी रोड है, और जो बीच का एरिया है वहाँ पर जो है वो ऊपर से नदी बह के जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ नदी बह के जाती है। अब आपको इस साइड भी दिखाती हूँ। अब देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आप देख रहे होंगे ये सामने बिल्कुल लंबा सा एक रास्ता गया हुआ है, और आप ये देखिए ये सामने नदी आपको दिख रही होगी बहती हुई, और देखिए सामने वो रोड है। ठीक वैसा ही रोड अभी मैंने आपको पीछे दिखा रहा था कि वहाँ पर है, और ये देखिए ये नीचे से जो है वो नदी निकल कर जा रही है। ये देखिए ये गई नदी निकल कर, और ये देखिए ये नीचे से उसके निकल गई, और ये देखिए RCC से जो दूसरी नदी जो ऊपर से निकल के जा रही है दोनों ब्रिज के बीच में से, वो ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी। तो ये था कासगंज की कुछ छोटी सी अपडेट। अब हम बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा मोहनपुरा की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही आप कासगंज बाईपास पर आएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप टी पॉइंट पर आएंगे तो लेफ्ट हैंड जब आप चले जाएंगे तो पहुँचेंगे कासगंज और एटा की तरफ। और अभी जिस साइड हम चलेंगे, मतलब अब हम टर्न होंगे राइट हैंड साइड में, तो अब हम बढ़ते हैं हाथरस की तरफ और चलते हैं मोहनपुरा की ओर। तो दोस्तों जैसे ही हम कासगंज कट से और मथुरा की तरफ चलते हैं तो बीच में तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, और 3 से 4 किलोमीटर के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर रोड क्लोज और डायवर्जन दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो है वो बाईपास दे रहे हैं ये लोग सीधा, जो कि कासगंज में नदी के ऊपर से जो ब्रिज बनाया जा गया जो भी होगा, अभी वहाँ तो कोई कार्य हुआ नहीं है, पर जहाँ से अलाइनमेंट उठ रहा है जहाँ से ये बाईपास जा रहा है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ चल के। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं मिट्टी आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही होगी, और इसको जो है समतल करने का कार्य कर लिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है वो कहाँ से उठाया जा रहा है, तो ये सामने देख रहे होंगे आप, ये डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है MR डिग्री कॉलेज, ये अलाइनमेंट वहीं से लिया गया है। देखिए सामने आप देख रहे होंगे वहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं अभी बरेली मथुरा रोड, वहाँ से ये ऐसे उठाने के बाद और ये डिग्री कॉलेज के बिल्कुल आगे से ये अलाइनमेंट उठाया इन्होंने, और ये लेकर जाएंगे इधर कासगंज साइड में। तो अब यहाँ तक आपने देखा, अब मैं आपको जो है अब चलते हैं हम लोग मोहनपुरा की तरफ, और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ रोड पर जो है वो कितना काम हुआ है। तो दोस्तों मोहनपुरा की तरफ बढ़ने से पहले अभी अभी मुझे एक जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो जानकारी ये है कि ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये जो अभी बरेली मथुरा रोड है, तो ये जो अभी रोड देख रहे हैं आप ये सीधा चला जाएगा कासगंज की तरफ, और जो मैंने अभी आपको अलाइनमेंट दिखाया ये जो है ये चला जाएगा बरेली की तरफ। मतलब कि अगर आप सीधे शब्दों में मैं आपसे बोलूं तो ये हो जाएगा कासगंज का बाईपास, और कासगंज अगर आपको जाना है तो आप चले जाएंगे सीधा यहाँ से, जहाँ से अभी जो इस समय जो रोड ऑपरेशनल है। तो चलिए ये थी छोटी सी जानकारी, आप पढ़ते हैं मोहनपुरा की तरफ।
तो जैसे ही आप मोहनपुरा की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर आप ये सामने देख रहे होंगे, ये इनकी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर सारा मटेरियल डंप है। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मैंने प्लांट आपको दिखाया है जो कि पथरे की एक गांव पड़ता है मोहनपुरा से पहले, और उसके जैसे ही आप पथरेकी से आगे निकलेंगे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जब आप कासगंज से आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड पर आप देख रहे होंगे पेड़ों को काट लिया गया है और मिट्टी का समतलीकरण जो है वो इस समय जोरों पर है। चलिए अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको अपडेट। अब ये सामने देखिए आप, यहाँ पर भी एक पुलिया बनाई जा रही है और ये बनाई जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में और उस साइड राइट हैंड साइड में। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही काम चल रहा हो, काम जो है वो दोनों तरफ चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मोहनपुरा की जब आप तरफ बढ़ रहे होंगे तब आप देखिए जगह जगह जो है वो पुलियों का निर्माण चल रहा है और पुलियों का मैं अभी पीछे से आया तो दो वहां बन चुकी थी, एक यहाँ बन चुकी है और ये देखिए इस साइड अलाइनमेंट यहाँ से आएगा। तो ये छोटी छोटी जो है वो अपडेट हो रहा है NH 530B का काम, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी अब चलते हैं थोड़ा और आगे मोहनपुरा की तरफ। अब देखिए आप कासगंज से जैसे ही आप मोहनपुरा की तरफ बढ़ेंगे तो जगह जगह आपको रोड क्लोज डायवर्जन के जो है वो बोर्ड लगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लगातार काम जो है वो चालू है। अब यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है मोहनपुरा में। तो अब आप देख सकते हैं ये जो फिलहाल में मथुरा बरेली हाईवे वो किस कंडीशन में है और मोहनपुरा देखिए दोनों तरफ जो है वो घनी बस्ती है। मैं आ चुका हूँ कासगंज से मोहनपुरा और मोहनपुरा अभी आपने देखा कि छोटा सा टाउन है, उसके बीचों बीच सब निकल कर आए थे और वहां से भी NH 530 भी जाएगा। तो अभी जैसे ही आप मोहनपुरा को क्रॉस करेंगे, मैं कासगंज साइड से आया हूँ, तो जैसे ही मैंने मोहनपुरा क्रॉस करा सामने मैं क्या देखता हूँ, ये देखिए सामने जो है मोहनपुरा का बाईपास बनाया जा रहा है, अलाइनमेंट यहाँ से ले लिया गया है। यहाँ पहले शायद राधा स्वामी सत्संग जो होते हैं उनके जो उसका जो आगे का हिस्सा जो है वो तोड़ लिया गया, वहीं से जो है अलाइनमेंट उठा लिया गया। सामने आप देख रहे होंगे यहाँ से बाईपास जो है बनकर तैयार होगा, लगभग 10% काम जो है पुलिया वगैरह का जो वही सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा हमने कासगंज से लेकर मोहनपुरा तक जो है वो कवर किया और ये NH 530B का फेज टू का कुछ हिस्सा है जो कि मोहनपुरा कासगंज के बीच, और क्या कहते हैं यहाँ मोहनपुरा में भी बाईपास बनना है, कासगंज में भी बाईपास बनना है, ये एक जानकारी मैं आपको दे दूँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैंने कवर की, आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे अगला पार्ट जो है वो कवर करूं हाथरस जंक्शन तक, जहां तक मैंने जो है वो पार्ट बना रखे हैं NH 530B के हाथरस जंक्शन से मथुरा के बीच, तो ये हिस्सा जो रह जाएगा मोहनपुरा से हाथरस के बीच का, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो NH 530B के मैंने आपको जो वीडियोस बना रखे हैं हाथरस जंक्शन से मथुरा के बीच में,
तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, और कैसा लगा आपको वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नमस्कार, जय श्री राम, रखिएगा अपना ख्याल।